नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सर, हमें बताइए कि किस तरीके से मुख्य रूप से UPITS जो है विश्व पटल पर स्थापित होने वाला है। उत्तर प्रदेश ने 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है जी सर, और मैं इसके क्रेडिट जो है विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। उनके मार्गदर्शन में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया और हर तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग करके उन सबकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। आज उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो उत्तर प्रदेश में MSME के माध्यम से या ये इंटरनेशनल ट्रेड शो यहाँ पर आयोजित किया गया, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का मार्ट आयोजित किया गया। हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारे MSME के लोग प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनके पास उसको डिस्प्ले करने का, उसकी मार्केटिंग का बहुत उचित फोरम नहीं था। आज इन सब बातों को देखते हुए यह अवसर दिया गया है उन लोगों को, उनको ख़ास तौर से उनके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बेहतर होती है इस प्रकार के मार्ट से। एक दूसरे को देख कर लोग अच्छे से अच्छा अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। जी, कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले सालों में हमारा एक्सपोर्ट भी डबल हुआ है जी। हर तरह से आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी पहले के मुकाबले में बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत हुई है। आगे $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का भी लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का है। अर्थात लोगों की सामर्थ्य बेहतर करना, लोगों की कैपेसिटी बेहतर करना और उस प्रकार से उन लोगों को इंसेंटिवाइज करना जो लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करना जो लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। जैसा कि हमने जी हर तरह से उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है और इसमें सभी लोगों का सहयोग, लीडरशिप का विशेष रूप से योगदान है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज बेहतर हो रहा है जी। सर, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।